Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा में अर्की ने पार्लियामेंट को लाखों रुपए सालाना तनख्वाह बढ़ा दी जाएंगी। टोरंटो सिटी काउंसिल की सूबे के साथ मुजवजा ट्रांजिट डील, मुहादे से शहर के लिए नई ट्रांजिट में तकरीबन $30 बिलियन की सरमाकारी होगी। कनाडा में इंतखाबी नतायज, पोर्ट मूडी कोकैल्टन की इंतखाबी हलके में जुडिशियल गिनती की जाएगी। ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं पहचानती, मुसन्निफा मैगन मर्फी के मुतनाज़ा बयानात के सबब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर एहतजाज। लिबनानी वजीर आजम का इस्तीफा, माइक पोम्पियो का कहना है कि लिबनानी आवाम मौसर हुकूमत, मौशी इस्लाहात और करप्शन का खात्मा चाहते हैं। लॉस एंजलिस में जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू, 600 एकड़ से जायद का इलाका जल गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। आगे बढ़ेंगे, कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में हर एमपी को $1,78,900 सालाना मिलते हैं, जो कि मुतवस्सित तबके की सालाना आमदनी का दुगना है। जानते हैं रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट के 109 मुंतखब मेंबरान वाकफियत के इजलासों के लिए ओटावा में जमा हुए। हाल ही में कनाडा में होने वाले इंतखाबात में 98 नए मेंबरान पार्लियामेंट में मुंतखब हुए हैं, जबकि वो अपने दफ्तर के बजट से लेकर अमले की खिदमात हासिल करने, उन पर लागू होने वाले कवायद और इस्तेहकाक को समझने और दीगर पार्लिमानी उमूर जानने के लिए ओरिएंटेशन मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरों को बुनियादी तनख्वाह मिलती है, और अगर वो इजाफी किरदार अदा करते हैं तो वो भी टॉप अप्स हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर एमपी को $1,78,900 सालाना मिलते हैं, जो कि मुतवस्सित तबके की सालाना आमदनी का दुगना है। इसके अलावा वो दीगर जिम्मेदारियों पर $6,200 सालाना मजीद हासिल कर सकते हैं। डेप्टी स्पीकर कायदे हिस्ब इख्तलाफ और पार्लिमानी कमेटियों के सरबरा $44,000 इजाफा डॉलर्स हासिल कर सकते हैं, जबकि हुकूमत और सरकारी हिस्ब इख्तलाफ के अलावा पार्टियों के रहनुमाओं को $60,600 इजाफी मिलते हैं। दूसरे आला टॉप अप ब्रैकेट में वुज़राए मुमलिकत, वुज़राए सरकारी हिस्ब इख्तलाफ के रहनुमा और हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर शामिल हैं, उन्हें $85,000 इजाफी मिलते हैं, जबकि कार अलाउंस की मद में $2,00,000 मिलते हैं। सबसे ज्यादा तनख्वाह वजीर आजम को मिलती है, जो किसी भी रुकन की तनख्वाह का दुगना है। मेंबरान पार्लियामेंट को अपने दफ्तर के बजट, सफर के अखराजात और रिहाइश के लिए भी बहुत अलाउंस मिलते हैं। उन्हें सफर के लिए बहुत सारे अखराजात और अलाउंसेज भी मिलते हैं, उनमें ज़ाती तौर पर और पार्लियामेंट के मकासद के लिए सफर से मुतालिक दोनों अखराजात शामिल हैं। पार्लिमानी मकासद के लिए सफर में एक ऐसा निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है जो मालियाती हदूद के बजाय नुक्ता हद को तय करता है, ताकि उन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जा सके जिनके सफर में ज्यादा अखराजात होते हैं, क्योंकि उनकी सवारी दूर दराज या दही है।
कुछ बात करेंगे टोरंटो सिटी काउंसिल ने सूबे के साथ मुजवजा ट्रांजिट डील के हक में वोट दिया जिसमें ऑन्टेरियो लाइन की तौसीक भी शामिल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी काउंसिल ने सूबे के साथ मुजवजा ट्रांजिट डील के हक में वोट दिया है जिसमें ऑन्टेरियो लाइन की तौसीक भी शामिल है। मुजवजा मुहिदे के एक हिस्से के तौर पर सूबा सबवे सिस्टम को कब्जे में लेने के अपने मनसूबों को छोड़ देगा। इसके बदले में शहरी अमले को सूबे के बड़े ट्रांजिट मनसूबों के मनसूबे की हिमायत करना होगी। इस मुहिदे के खिलाफ सिर्फ 3 काउंसिलों काउंसिलर गोल्डपर्स जोश मैथलो और क्रिस्टिन वोंग ताम ने वोटिंग की। इस मुहिदे से शहर के लिए नए ट्रांजिट में तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी और टीटीसी ट्रांजिट नेटवर्क की कार्रवाइयां बरकरार रखेगा। मुहिदे के हवाले से टोरंटो के मेयर जॉन टूरी ने अपने बयान में कहा है कि यह मुहिदा शहर के लिए अच्छा है और एक साल कबल सिटी काउंसिल की तरफ से दी गई सिफारिशात के मुताबिक है जब हमें एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि मेयर की हैसियत से जो बिलाखिर ट्रांजिट की तामीर का काम करने और दूसरी हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के वादे पर मुंतखब हुआ था, मुझे यकीन है कि यह हमारा सबसे बेहतर रास्ता है। एक जज ने फैसला सुनाया है कि एनडीपी की जानिब से इंतहाई मुकाबला लड़ने वाले पोर्ट मूडी को कैटलम के इंतखाबी हलके में जुडिशियल गिनती की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक जज ने फैसला सुनाया है कि एनडीपी की जानिब से इंतहाई मुकाबला लड़ने वाले पोर्ट मूडी को कैटलम के इंतखाबी हलके में जुडिशियल गिनती की जाएगी। एनडीपी की उम्मीदवार बोटीना जैरेलो ने मुकामी मीडिया को बताया कि हमें अदालत की जानिब से फैसला मौसूल हुआ है कि इसके इलाके में दोबारा गिनती होगी, लोगों को दोबारा गिनती मिल जाएगी जिसके बारे में वो पूछ रहे थे और मैं अगले 2 हफ्तों में मुंतजर हूं कि इस कम्युनिटी के लिए हतमी अदालती गिनती होगी। कंजर्वेटिव रानुमा नीली शैन ने पोर्ट मोडी को कैटलिम में फतेह हासिल की थी और एनडीपी की जेरेलो को महज 153 वोटों से शिकस्त दी थी। इलेक्शन कैनेडा ने कहा कि उसने अदालती मामलात के लिए एक वकील को तैनात किया है और ये अगर जज ने फैसला दिया तो दोबारा गिनती का इंतजाम किया जाएगा। इलेक्शन कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि मजीद 2 हलकों में भी वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई है। कुछ बात कर लेते हैं मुसन्निफा मेघन मर्फी के मुतनाज़ा बयानात के सबब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी पर शदीद तनकीद हुई है जिसने कहा था कि वो ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं पहचानती। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कई सौ मुजाहिरीन टोरंटो लाइब्रेरी के बाहर जमा हुए जहां एक खुद साख्ता खवातीन के हुकूक की अलमबरदार ने सिन्फ की शनाख्त के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुसन्निफा मेघन मर्फी के मुतनाज़ा बयानात के सबब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी पर शदीद तनकीद हुई जिसमें कहा गया था कि वो ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं पहचानती। ट्रांस राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं, ये नारे लाइब्रेरी के करीब जमा हुजूम की जानिब से लगाए गए जिन्होंने आजादाना तकरीर के हक का हवाला देते हुए इस तकरीर को जारी रखने की इजाज़त दी। मेगन के बयान से खबर ट्रांसजेंडर खातून का कहना था कि ये हमारी लाइब्रेरी है और हमें यहाँ रहने का हक है। लाइब्रेरी के अंदर 100 के करीब शुरका जिनमें ज्यादातर खवातीन थी, उन्होंने 30 मिनट तक मार्फी की गुफ्तगू सुनी। मार्फी ने एहतजाज के हवाले से कहा कि ये मजका खेज है, मेयर जॉन टूरी मायूसी का इजहार किया था, यह अवामी लाइब्रेरी ने इस तकरीब की इजाजत दी। मार्फी का कहना है कि वो अपनी हैसियत बाजी करना चाहती हैं। उनका कहना था कि मीडिया और ट्रांसजेंडर कारकुनों के जरिए उन्हें बदनाम किया गया है। कुछ बात करेंगे लबनानी वजीर आजम साद हरेरे के मुस्ताफी होने के बाद अमरीकी हुकूमत का अहम बयान सामने आ गया, मौसल हुकूमत बनाने पर जोर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लबनानी वजीर आजम साद हरेरे के मुस्ताफी होने के बाद अमरीकी हुकूमत का अहम बयान सामने आ गया, मौसल हुकूमत बनाने पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक लबनान में 2 हफ्तों से जारी शदीद मुजाहरे के बाद लबनानी वजीर आजम साद हरेरी मुस्ताफी हुए। अमरीका ने अवामी नुमाइंदा हुकूमत बनाने पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबर रसान इदारे के मुताबिक लबनान में साद हरेरी के खिलाफ 2 हफ्ते से मुजाहरे जारी थे और उनमें शिदत आती जा रही थी। मुजाहरीन का मुतालबा था कि वजीर आजम फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। शदीद दबाव के बाद साद हरेरी ने ओहदे से इस्तीफा दिया। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि लिबनानी अवाम मौसर हुकूमत मौशी इस्लाहात और करप्शन का खात्मा चाहते हैं, सियासी रहनुमा मामले का जायजा लें। लबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे और साद हरेरी के इस्तीफे पर पोम्पियो का कहना था कि सियासी रहनुमा ऐसी हुकूमत बनाए जो लोगों की जरूरियात पूरी करे। उन्होंने मजीद कहा कि 13 दिन के मुजाहरों और कौमी यकजहती ने वाज पैगाम दिया कि लबनानी अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर भी शामिल करेंगे। आपको बताएं अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग के बाइस कई अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग के बाइस कई अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया है। पीर की शब लगने वाली आग हवा की शिद्दत के बाइस तेजी से फैल गई। आग बुझाने की कार्रवाई में 1000 से ज्यादा फायर फाइटर हिस्सा ले रहे हैं, तहम उन्हें शदीद मुश्किल पेश आ रही है। अब तक 600 एकड़ से ज्यादा का इलाका जल चुका है, जबकि लाखों अफराद को इलाके से निकालने को कहा गया है। इस इलाके में अमरीका की अमीर तरीन शख्सियात भी रिहाइश पसीर है। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।